हेलो दोस्तों, तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। तो आज हम रिव्यू लेंगे JBL Live Beam 3 ईयरबड्स के बारे में, जो JBL के फ्लैगशिप ईयरबड्स हैं। तो JBL का इसमें सबसे जो फ्लैगशिप फीचर है वो ये है कि इसके अंदर आपको एक यहाँ पे एक स्क्रीन मिल जाती है, और इस स्क्रीन के अंदर आप लोगों को बहुत सारे मल्टी फंक्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन से ही अपना ऑडियो ट्यूनिंग जो है अपना यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अपना वॉल्यूम वगैरह भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, अपना आप यहाँ पर एम्बियंट साउंड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो फीचर इसमें मिल जाता है। उसके अलावा स्पेशल साउंड का भी अलग इसमें से फीचर है, इसमें भी तीन आपको इसमें फंक्शंस मिलते हैं, ऑडियो के लिए अलग, वीडियो के लिए अलग और गेमिंग मोड के लिए अलग। तो जो लोग गेम वगैरह के लिए ज़्यादा ईयरबड्स चाहते हैं और उनको लेटेंसी फील होती है दूसरे ईयरबड्स में, तो वो JBL Live Beam 3 यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़, इसमें इक्वलाइज़र यहीं पर ही आपको मिल जाता है, इसे आप यहाँ से ऑन करके अपना इक्वलाइज़र चेंज कर सकते हैं, और आपको कुछ टाइमर्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस अवेयर का आपको फीचर मिल जाता है। इस फीचर में मैं आपको बता दूं, जो बहुत सी सारे फ्लैगशिप ईयरबड्स है उसके अंदर ये फीचर होता है कि जो आप ANC के ईयरबड्स दोनों कान में लगा के, तो आपको बाहर का साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। तो उस टाइम पर जब भी आप कुछ भी बोलेंगे या सामने वाला आपसे कुछ भी बोलेगा, तो कुछ सेटिंग्स के द्वारा आप अपने ANC को अपने आप ऑटोमेटिकली वो ऑफ करके आपको सामने वाले की बात सुनाई दे देगी, तो वो फीचर एक इसमें मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको स्मार्ट टॉक का ऑप्शन है, और इस तरह के स्क्रीन का ये एक वन ऑफ द काइंड इन इंडिया आया है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ तब है जब आप अपने मोबाइल को कम से कम यूज़ करना चाहते हो। जैसे आजकल लोग काम करते हैं और आजकल बहुत सारे ऑडियोज़ और म्यूज़िक फाइल सुनते रहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इफ़ दे ऑल्सो वॉन्ट टू रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम। इसके अलावा इसमें ऐसे दो ईयरबड्स हैं अंदर, और इसमें बहुत ही फास्ट कनेक्ट का एक ऑप्शन गूगल फास्ट पेयर और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है, और इसमें डुअल कनेक्टिविटी है। तो अगर आप इसको लैपटॉप में भी कनेक्ट करके रखते हैं और अपने मोबाइल में भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो अगर इन केस आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोन आता है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा आपके ऑडियो को आपके मोबाइल फ़ोन से। सो आपको अलग से डिसकनेक्ट करके ऐसा कुछ झंझट नहीं करना है, इट्स वेरी इजी। और फिट की अगर बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल फिट है। मैं इसको अभी 15 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, और इसका ANC भी बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं, तो एक बटन यहाँ पे है, इसे दबाते ही आपकी स्क्रीन ऑन होगी ऑफ होगी, और इसके साथ साथ यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग का केस मिल जाता है। इसमें एक बार चार्जिंग पे 48 आवर्स तक ये चल सकते हैं। अंदर आपको JBL Live 3 की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इसके साथ साथ अभी इसकी एक शॉर्ट्स वीडियो भी हम अपलोड करेंगे जिसमें आपको इसके अनबॉक्सिंग का भी हम फीचर दिखाएंगे। तो ये है ओवरऑल JBL Live Beam 3। आई थिंक जो लोग हेडफोन्स यूज़ करते हैं वो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर वो शॉर्ट कम्पैक्ट ईयरबड्स पे शिफ्ट करना चाहें। और इस कम्पैक्ट ईयरबड्स में एक फ़ीचर जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो है स्मार्ट टॉक फीचर, कि अगर आप ANC आपको ऑन है, आपको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है और कोई आपसे बात करना चाहता है, तो स्मार्ट टॉक में अपने आप वो कुछ सेकंड्स के लिए जो भी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे उतनी देर के लिए आवाज़ रोक देगा, तो आप आराम से अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू JBL Beam Live 3 के बारे में। ये आपको Amazon से मिल सकता है, ये 25,000 का है, लेकिन डिस्काउंट के बाद इस पर 40% डिस्काउंट चल रहा है, जो आपको 13,999 का Amazon से मिल सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।